थैंक यू सो मच टू कम टू माई चैनल दोस्तों। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ न्यू ईयर रेजोल्यूशंस के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि नया साल शुरू हो चुका है और नया साल शुरू होने के बाद हम सभी लोग अपने अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं, यानी कि विश लिस्ट बनाते हैं। तो आज मैं इसी के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ कि मैं आपको टोटल 5 पॉइंट बताऊँगा, जिन 5 पॉइंट को अगर आप ध्यान में रखते हो तो ये जो नया साल है आपके लिए वो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ चेंज करके लेके आएगा, तो जिससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी कि जो भी चीज़ें आप करना चाहते हो एटलीस्ट उसमें 75-80% जो चीज़ें हैं आपकी वो कंप्लीट हो सकें। तो ज़्यादा जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो मेरा पहला पॉइंट है दोस्तों, बी वेरी स्पेसिफिक। इस साल आपको काफ़ी स्पेसिफिक होना है जो भी चीज़ें आप करना चाहते हो उसमें। जैसे कि मान लीजिए आपका एक गोल है कि आपको एक बेटर शेप में होना है, यानी कि आपको एक 6 एब्स चाहिए इस साल आपको। तो आप कोशिश ये कीजिए कि इस साल आपका जो है ये गोल नहीं होना चाहिए कि मुझे 6 एब्स चाहिए। आप काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाइए कि मुझे कितने समय में चाहिए, आने वाले 90 दिनों के अंदर। मेरी आज जो वेट है वो 70 है, तो मुझे अगर 6 एब्स चाहिए तो एटलीस्ट मेरा वेट 60 होना चाहिए। तो आने वाले 3 महीने में मैं 10 kg तक लूज़ करूँगा और हर 2 हफ्ते के बाद मैं देखूँगा कि मैंने कितना kg जो वेट है वो लूज़ किया, सो दैट मुझे आइडिया मिलता रहे कि मुझे मेरे वर्कआउट में और मेरी डाइट में किस तरीके का बैलेंस मेंटेन करना है। तो ये जब आप बताते हो कि आने वाले 3 मंथ्स में, यानी कि 90 डेज़ में, तो ये एक स्पेसिफिक हो गया। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि 30 मार्च आई वॉन्टेड टू अचीव 60 kg ऑफ माई वेट। तो इससे ये होगा कि आप 1 जनवरी से 30 मार्च के लिए डेडिकेटेड हो जाओगे अपनी ड्रीम्स के लिए। तो आपका जो गोल होगा वो सिर्फ गोल ना होकर वो काफ़ी स्पेसिफिक हो जाएगा, जिससे रिजल्ट लेने के लिए आपको जो जो स्टेप लेने वो स्टेप्स आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगे दोस्त, राइट। दूसरे पॉइंट पे आते दोस्तों, यू शुड हैव द मीनिंग फॉर योर गोल्स। इसका मतलब ये है कि कई बार कैसे होता है कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन जब आता है तो काफ़ी सारे लोग हमें न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बताते हैं। कोई कहता है कि मुझे रिच होना है, कोई कहता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होना है, कोई कहता है कि मुझे मेडिटेशन प्रैक्टिस करना है, सम पीपल से यू दैट आई वॉन्ट टू बाय अ कार। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिससे हमारे पास जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं किसी एक के न्यू ईयर रेजोल्यूशन से प्रभावित होकर उस न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को करना चाहते हैं। तो होता ये है कि जैसे मान लीजिए अगर आपका गोल कभी भी स्पिरिचुअल नहीं होना था और किसी फ्रेंड को देखकर या आपके किसी रिलेटिव्स में किसी को आप स्पिरिचुअल देखकर आप ये सोच रहे हो कि ये आदमी स्पिरिचुअल होकर हैप्पी है तो मैं भी स्पिरिचुअलिटी ट्राई करता हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि जितने हैप्पी वो है स्पिरिचुअलिटी से आप उतने ही हैप्पी होंगे। तो जैसे कि मान लीजिए मे बी आप अगर हैप्पी हो भी गए तो वो जो गोल है स्पिरिचुअल होना उनके लिए काफ़ी मीनिंगफुल है, क्योंकि वो एग्जैक्टली वही करना चाहते हैं। लेकिन आप वैसे व्यक्ति हो ही नहीं, आप एक रिच इंसान बनना चाहते हो, जिस वजह से जो स्पिरिचुअलिटी है उसमें जो जो चीज़ें करनी हो रही है आपको, कहीं ना कहीं वो चीज़ करने के लिए आपके पास कोई मीनिंग नहीं है। तो कोशिश यही कीजिए कि जो भी आपका गोल हो इस साल वो आपके लिए मीनिंगफुल हो। जैसे कि मान लीजिए आप अगर बॉडी बनाना चाहते हो तो वो आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए, ना कि कोई वीडियो में देखकर या अपने फ्रेंड्स को देखकर। अगर आपको लगता है कि आगे चल के मुझे एक अच्छा एथलीट बनना है, मुझे मैराथन में भाग लेना है, तो मुझे स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। तो जो स्ट्रेंथ की ज़रूरत है आपको, तो जब ये ज़रूरत को पूरी करने के लिए जब आप जिम में जा कर के शेप में आना चाहोगे तो वो आपके लिए मीनिंग है। अदरवाइज़ अगर आप अपने फ्रेंड को देखकर वो चीज़ करना चाहते हो सकता है वो आपके लिए मीनिंगफुल नहीं है। हमारा जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों वो है डिस्टेंस बिटवीन नाउ एंड देन। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है लोगों के न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को नहीं कर पाने का। तो मैं आपको कोई रिसर्च वगैरह तो शेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता तो वो मैं गूगल वगैरह से उठा करके आपको रिसर्च भी बता देता, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि 90% जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन होता है वो फरवरी के 2nd वीक के बाद टूट जाता है, उतना ही चलता है, उसके आगे नहीं चलता है। तो जैसे कि मैंने बताया डिस्टेंस बिटवीन नाउ एंड देन का मतलब ये है कि कई बारी अगर मान लो आप एक अच्छा मैराथन में भाग लेना चाहते हो जो 21 किलोमीटर्स का है, तो जब आपकी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, तो क्योंकि अभी आपकी हैबिट्स उतनी अच्छी नहीं है, एक प्रॉपर एथलीट के जैसे नहीं है, क्योंकि आपकी हैबिट्स उतनी अच्छी नहीं है, तो स्टार्टिंग में आपको
तो दोस्तों स्टार्टिंग में स्टैमिना बनाने के लिए आपको समय लगेगा। तो जैसे कि आपने काफ़ी बड़ा बड़ा ड्रीम बनाया है कि मुझे जो मुंबई की मैराथन है नेक्स्ट ईयर जो जनवरी 17 में होने वाली है मुझे उसमें भाग लेना है, 21 के मुझे जीतना है। तो जब आप स्टार्टिंग में ट्राई करोगे तो आप हो सकता है 3 मिनट या 5 मिनट में ही थक जाओ, तो आप अपने ऊपर डाउट करने लगोगे। जब आपके दिन प्रतिदिन स्टैमिना उतना बढ़ेगा नहीं तो हो सकता है शायद आप अपने आप पर डाउट करने लगे। यही टाइम है जहाँ पे आपको देखना है कि आपका काम है जो डेली का जो आपका काम है वो कंप्लीट होता रहे। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने डिसाइड किया है कि नेक्स्ट ईयर तक मेरा जो स्टैमिना है वो 2 आवर्स का होना चाहिए, इतने समय मैं डेली दौड़ूँ, तो वो आपको 1 महीने में उसे अचीव नहीं करना है। आपके पास समय है, आपके पास पूरे 12 महीने, तो आपका गोल यही होना चाहिए 1 महीने तक कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मिनट तक भाग पाए, जैसे कि 15 मिनट, 20 मिनट्स। तो ये धीमे धीमे जो छोटे छोटे स्टेप हैं अगर आप उन पे ध्यान दोगे तो आप कभी भी आपका जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन है वो नहीं छोड़ोगे। अगर आप देखोगे कि जो आपका डिस्टेंस अभी है जो आप अभी कर रहे हो कि 5 मिनट अभी मैं दौड़ 5 मिनट दौड़ पाना मेरे लिए आज मुश्किल है, तो मैं कैसे 21K की जो रेस होने वाली है मैं उसमें भागूंगा और जीतूंगा। तो अगर आप वो देखते हो और अगर आप आज का आपका एफर्ट देखते हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आपका जो डेली का काम है आप वो करें, आप काफ़ी ज़्यादा आगे की ना सोचें, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हैव अ रोल मॉडल। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए दोस्तों हम हर साल कुछ ना कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं। तो जब हम न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं तो हमारा एक गोल डिफाइन हो जाता है कि इस साल मुझे मेरी जो इनकम उसे 2 टाइम्स या 3 टाइम्स ग्रो करना है। तो आप अगर अपना कोई भी एक रोल मॉडल बना लें कि जैसे अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो आप ग्रांट कार्डोन को या आप बिल गेट्स को या वॉरेन बुफे को अगर या फिर आप जेफ बेजोस को अगर अपना रोल मॉडल बनाते हो तो और उनके बारे में उनकी लाइफ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करना अगर आप स्टार्ट करते हो तो इस साल आपके पास एक रोल मॉडल होंगे जिनकी लाइफ की कठिनाइयों में उन्हें कैसे संघर्ष करके जो आगे बढ़े हैं, वो उन्होंने अपनी लाइफ की परिस्थितियों से कैसे इतने आगे बढ़े हैं, अगर वो आपको पता चल गया तो इस साल जो जो तकलीफ आएगी आपको वो पैसे से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, तो अगर आप उनको अपना रोल मॉडल बनाते हो तो उनके बारे में आप जानकारी लेते हो तो जो वो प्रॉब्लम उन्होंने फेस की है जब वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आएगी तो आप भी जैसे उन्होंने हैंडल करके सारी कठिनाइयों को ओवरकम करके अपनी ज़िंदगी में लॉन्ग टर्म में, कहने का मतलब ये है दोस्तों कि उन्होंने जो जो प्रॉब्लम फेस की है अगर आप उनके बारे में ज़्यादा जानकारी लेते हो तो आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में अगर वो सारी प्रॉब्लम्स आती है तो आप मेंटली प्रिपेयर होंगे कि आपको किस तरीके से उस प्रॉब्लम का हल लेना है, ठीक है, उस प्रॉब्लम का हल निकालना है। जो मेरा लास्ट पॉइंट है दोस्तों, जो 5वां पॉइंट है वो ये है, फॉलो द प्रोसेस। दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर आप कुछ भी चीज़ करना चाहते हो इस साल तो उस चीज़ को कोई ना कोई एक ऐसा इंसान है जिसने अपनी लाइफ में किया है। अगर आप अपनी लाइफ में सिर्फ रिज़ल्ट के बारे में सोच रहे हो कि मैं काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहा हूँ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की और काफ़ी ज़्यादा मैं पढ़ाई करता हूँ, सबसे ज़्यादा मैं मेहनत करता हूँ, उसके बावजूद भी मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ज़रूरत ये है कि आप अपने प्रोसेस को देखिए। क्योंकि अगर आपका गोल है कि आने वाले टाइम में आपको एक बहुत अच्छा ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करना है जो एक यूट्यूब चैनल हो सकता है, तो वो एक टेक्नोलॉजी का चैनल होगा जहाँ पे आप चाहते हो कि एक अच्छे लोग चाहिए आपको, 2 लाख 5 लाख तक का सब्सक्राइबर चाहिए आपको, तो ये जो आपका है कि 2 लाख 5 लाख तक का सब्सक्राइबर आपको चाहिए आपके टेक्नोलॉजी चैनल पर आने वाले समय में, तो ये आपका एक रिज़ल्ट है। आप इसे देख रहे हो कि आने वाले ये साल में मुझे ये करना है, लेकिन आपको इसके लिए आपको देखना होगा कि जो लोग इस चीज़ को ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं उनका प्रोसेस क्या है, वो डेली बेसिस पे ऐसी क्या चीज़ें करते हैं जो मुझे करनी चाहिए जिससे ऑटोमेटिकली अगर मैं वो चीज़ करूँगा तो मैं मेरा ये रिज़ल्ट अचीव कर पाऊँगा। जैसे कि आप टेक्निकल गुरुजी को देख सकते हो, टेक्निकल गुरुजी डेली बेसिस पे अगर आप उनके वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो कुछ इस प्रकार भी बात करते हैं कि आने वाले 10 दिन आने वाले 10 वीडियो उनके पास पड़े होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो इतने ज़्यादा प्रिपरेशन करते हैं वीडियोस के मामले में। अगर ठीक उसी प्रकार से आप भी प्रिपरेशन करने लगे, ठीक वो सारी प्रोसेस को आप फॉलो करने लगे, मे बी वो हो सकता है टेक्नोलॉजीज़ के अखबारों को पढ़ना, टेक्नोलॉजीज़ की बुक को पढ़ना, टेक्नोलॉजी के गैजेट्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना और वो सारी चीज़ें करना जो एक बहुत बड़े लेवल पे यूट्यूबर्स करते हैं डेली बेसिस पे,
अगर तो वो डेली बेसिस पे आप वो चीज़ें फॉलो करते हो और अपने प्रोसेस से प्यार करते हो सकता है प्रोसेस फॉलो करने के बाद 2 से 3 महीने या 5 महीने या 7 महीने या आने वाले 1 साल तक आपका चैनल उतना ग्रो नहीं हो, लेकिन क्योंकि आप वो 5 काम है जो बाकी के लोग करते हैं और आप डेली बेसिस पे 5 काम कर रहे हो तो आप यहाँ पे विनर हो। तो आपका ये प्रोसेस है जो आप डेली बेसिस पे फॉलो कर रहे हैं, ये शो करता है कि आप रिज़ल्ट ओरिएंटेड ना होकर प्रोसेस ओरिएंटेड मैन है, जिससे आने वाले टाइम में आपको रिज़ल्ट मिलना ही है। तो ये इसमें ही आपकी जीत है। तो आने वाले साल में ये जो 2020 है, हमें यही करना है। इस साल हमें इन 5 चीज़ों का ध्यान देना है जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको जो है बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होने की ज़रूरत है। गोल्स आपके मीनिंगफुल होने चाहिए, वो आपको ही पता होना चाहिए। डिस्टेंस जो है आप ज़्यादा देखिए मत, जो आपका काम है वही करते जाइए। आपके पास रोल मॉडल होना चाहिए। और जो नेक्स्ट जो चीज़ मैंने आपको कि आपको इस साल प्रोसेस से प्यार करना है, आपको आपके जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना है, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल करेगा। प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए ढेर सारे वीडियोस लेकर आने वाला हूँ फ्यूचर में। प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय एंड विच यू ऑल द बेस्ट फॉर 2020। टेक केयर।